Hey, what's up, guys? हम हैं आपके जुड़वाज सुशांत निशान। नमस्ते सस्त्रियाकार, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, आपको सभी को बताए कि हम कुछ सैटरडे और संडे बिल्कुल आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन या ऐसे कुछ म्यूजिक से रिलेटेड ही ऐसे कुछ वीडियोस लाते हैं आपके सामने सर्च करके, लाइक विदाउट ऑडियो ट्यून हो गया या म्यूजिक से रिलेटेड कुछ हो जाए या पुराने सॉन्ग नए में कैसे बने हैं वो सब जैसे आपको पता है हम ये सब लाते हैं। बिल्कुल। तो या तो आपको पता है कि हम लोगों ने फिर एक सीरीज चालू किया था विदाउट ऑडियो ट्यून, या ठीक है, तो बहुत सारे वीडियोस ऐसे हमारे हैं, आप देख लेना। तो आज हम लोग कुछ नए सिंगर्स के विदाउट ऑटो ट्यून सुनने वाले हैं, तो उसमें टॉप 10 बॉलीवुड सिंगर्स हैं अच्छे अच्छे, तो उनको आज विदाउट ऑटो ट्यून देखते हैं। और ये वाला वीडियो हम लोगों ने उठाया है MSB फैक्ट से, काफी अच्छे रहते हैं हम लोग, बहुत सारे वीडियोस इनका देख के करते हैं, फिर आपको ये देख के इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आज काफी अच्छे अच्छे सिंगर्स दिख रहे हैं, अरिजीत सिंह भी है, बी प्राक भी, आतिफ असलम है, नेहा कक्कर भी है और भी बहुत सारे हैं, तो सुनते हैं और आगे की बातें बाद में करते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो और ऐसे ही सजेशन देते रहो। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हो गाइस ये सीरीज चालू रखो, बिल्कुल ठीक है, और 500 के जल्दी करना है हमको, ठीक है, हर बार याद दिलाना पड़ता है यार, वो तो जरूरी है ना भाई, वो तो एक ही काम करो, नए हो तो चैनल को शेयर भी कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, चला गा दे और सजेशन देते रहो और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी, कमेंट में तो सजेशन जरूरी है, तभी हमको पता चलता है क्या क्या करना है। अब ये तो हम किसी और का देख रहे हैं बट हम लोग खुद, मतलब ये इन्फॉर्मेशन वीडियोज में नहीं, क्या खुद के लाने वाले हम लोग, ठीक है ना, ये भी बात ध्यान में रखना। बहुत लोग बोल रहे थे कि गाइज म्यूजिक रोक के बताते भी तो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो लगा। तो ये तो हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये देख के, बट हम लोग खुद एक म्यूजिक ट्यूटोरियल्स एंड ऑल आपको बोला था तो वो अंडर प्रोसेस है, बिल्कुल बिल्कुल बता दिया मैंने, ठीक है, चलो कोई नहीं। हेलो गाइस, एमएसजी फैक्ट्स के एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है, और आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके कुछ फेवरेट बॉलीवुड एक्टर्स की बिना ऑटोट्यून के गाना गाते हुए कुछ वीडियोस दिखाने जा रहा हूं। तो गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी बहुत सी मजेदार वीडियो बनाता रहता हूं, तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी जरूर चेकआउट कर लेना। नंबर 1 पर है टोनी कक्कर। टोनी कक्कर एक इंटरव्यू में बैठे होते हैं और उनसे लाइव गाना गाने को कहा जाता है, तो वो कैसा गाते हैं आप खुद ही देखिए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, ओके, चुराया है मैं, नाइस किस्मत की लकीरों से, गा रहा है भाई, गा रहा है, वेरी नाइस। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, क्या बात है, चुराया नाइस है, नाइस किस्मत की लकीरों, थोड़ा तो गया ना, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब होके, मिले हो तुम हमको, ये कंपोजिशन अच्छा है इसका, नाइस। पूरा वीडियो देखना गाइस तो आपको आगे का पता चलेगा सब। तो गाइस, अगर आपको किसी भी सिंगर से मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलना चाहेंगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 2 पर है पायल देव। पायल देव अपना सॉन्ग गेंदा फूल अपने घर पे रिकॉर्ड कर रही होती है, और वो कैसा गाती है आप खुद ही देखिए। बहुत सही आवाज, अच्छा पियानो चालू है, क्या बात है, एक गाना, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ गाइस, अभी देखो उधर कीबोर्ड जो बजा रहा है ना वो भी खुद फुल फिल्म है, फुल फिल्म है, हाँ। और ये कितना प्रॉपर गा रहे, फुल ऑन, तो यही बता रहा था मेरे को ऑलरेडी, ये पायल देव जी के एक दो गाने जो पसंद है मुझे बहुत ज्यादा, बिल्कुल। और ये चैनल के जो भी एडिटर है मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ, हाँ। अगर आप जब भी वीडियो ऐसा रॉ मतलब विदाउट ऑटो ट्यून वाले जब भी वीडियोस बनाते हो
तो प्लीज बैकग्राउंड में वो म्यूजिक मत डालना जो अभी पियानो बज रहा है, क्योंकि पियानो अभी तो उनका चल रहा है बट और एक नहीं तो अभी पीछे चल ही रहा है, पीछे चल ही रहा है तो वो मालूम है क्या डिस्टर्ब बहुत करता है, लाइक समझ में नहीं, ऐसा लगता है कि जैसा अभी टोनी कक्कर भाई गा रहे थे तो टोनी भाई गा रहे थे तो हमको हम थोड़ा ये हो गया कि यार इधर इधर नोट किया, बट एक्चुअली आपने गलत वो जो आपका बैकग्राउंड जो चल रहा था वो उसके हिसाब इसके हिसाब से नहीं रहता है, बिल्कुल तो ये थोड़ा ध्यान में रखना बस, बाकी देव नाइस बाकी तो बढ़िया। नंबर थर्ड पर है श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल को एक इंटरव्यू के दौरान गाना गाने को कहा जाता है और वो बहुत ही सुरीली आवाज में लग जा गले गाने को गाती हैं। आप खुद ही देखिए लग जा गले के आवाज ही मतलब हसी रात हो ओ कितना क्यूट आवाज है यार इनका आवाज। क्या आवाज है, जैसा ये म्यूजिक चल रहा है आपका बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है मैच नहीं कर रहा। वाह नंबर फोर पर है जुबिन नौटियाल। जुबिन इंस्टाग्राम पर लाइव आए होते हैं और उनके फैंस उन्हें गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वो फैंस की रिक्वेस्ट पर एक गाना गाते हैं और वो कैसा गाते हैं आप खुद ही देखिए। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। लाइव में भी क्या आवाज है भाई पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम हंसी का मैंने जीना जीना कैसे जीना हंसी का मैंने जीना मेरे हमदम। गाइस मैंने अपने चैनल पे इस वीडियो का पार्ट वन भी बना रखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जरूर देख लेना। नंबर फाइव पर है सचित टंडन। सचित ने अपने सॉन्ग बेख्याली का कवर अपने ही घर पे रिकॉर्ड करा था और वो कैसा गाते हैं आप खुद ही देखिए। तेरी नजदीकी हो वाओ मैन खुशी बेहिसाब थी हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए मैं जो तुमसे दूर क्यों दूर मैं रहूं तेरा गुरूर हूँ। अच्छा वो चल उसका ये चल रहा है तू फासला मिटा तू ख्वाब सा मिला क्यों ख्वाब तोड़ दूं। गाइस एक चीज बताना चाहता हूँ ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट गाना है ठीक है। ये म्यूजिक डायरेक्टर कौन है इस गाने का ये शायद हाँ तो गाइज उनको पता है कि उसको गाना कैसा है बिल्कुल जैसा कंपोजिशन है वैसा ही परफेक्ट आवाज दिया और जैसे ही मतलब जो फील था ना भाई ये कोई नहीं दे सकता था ये खुद ही ये सचेत भाई ने ही दिया है बिल्कुल ये और कोई भी सिंगर गा लेता ना तो ये फील नहीं देता को बहुत बहुत कम ऐसे सिंगर्स है जो लाइव में भी अच्छे गाते हैं लाइव में भी कितना फील दिया थोड़ा सा मैं खफा ओ क्या भाई ये मतलब ये गाना बहुत परफेक्ट गाया भाई ये बहुत सही मतलब बहुत ही ज्यादा परफेक्ट गाया ऑटो ट्यून नहीं और परफेक्ट मूवी पे है और परफेक्ट सिचुएशन पे है बिल्कुल वेरी नाइस भाई सचित भाई यार मेरे को
मजा आ गया, ज्यादा पसंद आया मतलब ये गाना इनका वाला, ये वाला दोनों का। तो गाइस वीडियो में दिखाए गए सिंगर्स में से आपका कौन सा फेवरेट था मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 6 पर है अरमान मलिक। अरमान मलिक ने ये सॉन्ग अपनी गाड़ी में बैठ के रिकॉर्ड करा था और वो कैसा गाते हैं आप खुद ही देखिए। तू आती है सीने में, बहुत अच्छे कंपोजर है। जब जब सांसें भरता हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरता। इतना प्रॉपर नोट लग रहा है। हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करे। कितने नोट्स लग रहे, देखो प्रॉपर। जैसे मैं करता हूँ, गाइस मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जैसे कि देखो सचित भाई का, सचित भाई जब गा रहे थे सोचे थे कि सचित है निशु, सचित टंडन जो आप थोड़ा टंडन भाई जो है अपने, हाँ टंडन भाई जो है, सचित भाई और हमारे अरमान भाई ना, अरमान भाई, अरमान भाई और जुबिन भाई गा रहे थे, तब देखना कितना प्रॉपर और पायल देव गा रहे थे, तो कितना नोट्स पे एकदम वही टोनी भाई जब गा रहे थे तो नोट्स इधर उधर हो रहे थे, मतलब एक एक नोट्स होते ना इधर उधर होते, पर ये लोग जो है ना मतलब प्रॉपर रहते एकदम एकदम नोट्स पे, और नॉर्मल गाड़ी में गा रहे तो भी कितना प्रॉपर नोट्स पे गा रहे वो, ऐसा मेरे को बोल रहा था, तो यही आपको समझाना था, इसलिए फिर वाह निकल जाता है, मतलब इधर उधर नहीं, थोड़ा भी इधर उधर नहीं, ये नोट इधर ही लग रहा है एकदम, वो नाइस मैन नाइस, ऐसा लग रहा। नंबर 7 पर है हम सबकी फेवरेट नेहा कक्कर। नेहा कक्कर अपने सबसे पॉपुलर सॉन्ग मिले हो तुम हमको का सेल्फी कवर बनाती हैं, और वो कैसा गाती हैं आप खुद ही देखिए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, इन्होंने भी देखो अच्छा गाया, अच्छा गाया, प्रॉपर नोट्स पे गाया। नंबर 8 पर है आतिफ असलम। आतिफ असलम एक जगह पर इंटरव्यू देने के लिए गए होते हैं और वहाँ पे वो इंटरव्यूअर उनसे गाना गाने को कहते हैं, तो आतिफ असलम कैसा गाते हैं आप खुद ही देखिए। या तूने लब से आँखों को, मन्नत है पूरी तुमसे ही, तू मिले जहाँ मेरा जहाँ है वहाँ, रौनके सारी तुमसे ही, हो चुलिया तूने लब से आँखों, तू गया था बरा, मन्नते पूरी तुमसे ही, तू मिले जहाँ मेरा जहाँ है वहाँ, रौनके सारी तुमसे ही, पिया रे पिया प्यारे प्यारे पिया पिया रे पिया प्यारे प्यारे पिया। नंबर 9 पर है अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह इंस्टाग्राम पर लाइव आए होते हैं और उनके फैंस उन्हें गाना गाने को बोलते हैं, तो वो उनकी रिक्वेस्ट पे गाना गाते हैं, आप खुद ही देखिए। कैसे भी गाए तो भी अच्छा ही लगता, मतलब बहुत मस्त आवाज है भाई का, कुछ नहीं बोलता। नंबर 10 पर है बी प्राग। बी प्राग अपने स्टूडियो में ये गाने का कवर रिकॉर्ड करते हैं और मुझे तो लगता है उनकी आवाज में कोई जादू होता है, आप खुद ही देखिए। नोट
आसमान से तो हमेशा मुस्कुराते आज सारे तो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो पंजाब वो बिल्कुल वाह क्या हो गया पता है क्या कुछ मतलब मजा आ गया। हाँ क्या लाइव मतलब ओरिजिनल में भी यार देखो यार आप क्या अलग इफेक्ट है मतलब क्या मस्त सीन कर रहे यार फील दे रहे एकदम ये लाइव ये मजा ना गाइस बहुत मुश्किल होता है। और आप नोटिस करो सब लोगों ने रिकॉर्डिंग में तो बहुत ज्यादा इफेक्ट्स वगैरह होते हैं बट लाइव भी कितना प्यारा साउंड कर रहे थे उनके आवाज। बिल्कुल 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 तो हमको जो लगा हमने आपको बोला बिल्कुल पूरा ठीक है बीच में रोक रोक के बोला है क्योंकि क्या होता है आप भी मतलब हमको अच्छा लगता है कि आपको बताए कि हमको ये ठीक लगा ये नहीं लगा बिल्कुल हमारे ओपिनियंस बताना जरूरी है ना बिल्कुल तभी तो आप देखते हो ना कि हमारा हमको क्या लगता है ये सब। बिल्कुल तो जो हमको लगा वो हमने बोला yes. अगर कुछ गलती हो गई होगी या कुछ छूट गया होगा तो माफ करना उसके लिए और ऐसे ही प्यार रखो ऐसे ही सपोर्ट रखो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत।